नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक पोइम जिसका टाइटल है रिमेम्ब्रेंस, या फिर सोनेट 30 जो है इसका टाइटल है। और दूसरा जो सोनेट जो होती है उसकी पहली लाइन जो है उसको भी उसका टाइटल के रूप में जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसकी जो पहली लाइन है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट जो है उसको भी इसका टाइटल हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पोइम किसके बारे में है, क्या इस पोइम की थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो रिमेम्बरिंग लॉसेज कैन मेक ए पर्सन सैड, कि जब भी हम अपनी पुरानी किसी पास्ट की किसी घटना को या किसी भी चीज़ को जब याद करते हैं, किसी नुकसान के बारे में जब हम याद करते हैं, तो उससे व्यक्ति जो है वो सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। बट द प्रेजेंस ऑफ ए फ्रेंड कैन रिलीव दिस रिग्रेट एंड सोरो, लेकिन जब हम उसी समय यदि किसी एक अच्छे दोस्त की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, तो हम उस रिग्रेट को, उस पछतावे को और उस दुख को भूल जाते हैं। तो ये इस पोइम के अंदर बताया गया है कि पोइट इस पोइम के अंदर अपने पूरे किसी डिमांड्स को लेकर के, उनकी इच्छाओं को लेकर के उनको याद करता है पुराने दिनों को, और उससे दुखी होता है, और फिर अपने मित्र को याद करके किस प्रकार से जो है वो उन सारे दुखों को भूल जाता है। तो ये इस पोइम के अंदर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस पोइम को, वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो पोइट हमें यहाँ बता रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं और उनके मन के अंदर बहुत ही मधुर मधुर प्रकार के विचार जो हैं वो चल रहे हैं। और मधुर विचारों के क्या चल रहे हैं, सेशन चल रहे हैं। सेशंस क्या होते हैं कि जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर सुनवाई के सेशन होते हैं, उसी प्रकार से पोइट जो है उनके मन में भी बहुत ही मधुर और साइलेंट थॉट जो हैं वो चल रहे हैं उसके मन के अंदर। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, और उस समय पोइट क्या करता है, समन का मतलब भी जैसे कोर्ट के सेशन होते हैं उसी प्रकार से कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए जो जो बुलावा भेजा जाता है उसको समन बोलते हैं। तो पोइट क्या करता है, जो पास्ट में हुई कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके पोइट ने इच्छा की थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसी याददाश्त जो है, रिमेम्बरेंस जो है, उनको समन अप करता है और उनको याद कर लेता है, उनको जो है वो उनके बारे में पोइट सोचने लगते हैं। आई साई द लेक ऑफ मैनी ए थिंग आई सोट, और उस समय उन चीज़ों को सोच सोच करके जो है वो पोइट साई करने लगते हैं, यानी आहें भरने लगते हैं। और आहें क्यों भरते हैं, लेक ऑफ मैनी ए थिंग, बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से वो आहें भरते हैं। आई सोट, जो मैंने चाही थी, यानी जो पास्ट के अंदर मैंने ऐसी इच्छाएँ की थी कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, जो जो भी कोई चीज़ें जो थी जो पोइट ने चाही थी और वो चीज़ें पोइट को नहीं मिल पाई, तो उन चीज़ों को याद करके पोइट आहें भरते हैं। एंड विथ ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, और पोइट क्या करता है कि वो जो ओल्ड वूज हैं, पुराने घाव जो हैं, उन पुराने घावों के ऊपर नया विलाप करते हैं। वेल यानी विलाप करना होता है, तो पुराने घावों के ऊपर नया विलाप कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि पोइट को किसी समय जो है वो किसी चीज़ की डिज़ायर थी, और वो जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से ही पोइट को उस समय दुख हुआ होगा, उस बात को लेकर के पोइट ने उस समय भी विलाप किया होगा, और आज उसी बात को याद करके एक बार फिर से पोइट जो है विलाप कर रहे हैं। इसलिए घाव को जो है वो पुराना बोला गया है और विलाप को नया बोला गया है, माई डियर टाइम्स वेस्ट। और ये पुराने घाव जो हैं इनके ऊपर विलाप करने से उनका डियर टाइम जो है, बहुत ही कीमती समय जो है पोइट का बर्बाद हो रहा है। देन कैन आई ड्रोन एन आई, तो क्या मैं जो है वो अपनी आँखों को डुबो सकता हूँ इनके अंदर, यानी जो कहने का मतलब कि मैं इन आँखों से आंसू बहा सकता हूँ। और मैं उनकी आँखें कैसी है, अनयूज टू फ्लो, जिनको बहने की आदत नहीं है, जिनको आंसू बहाने की आदत नहीं है, क्या मुझे इन आँखों से जो है उनके ऊपर, पुराने दुखों के ऊपर जो है वो आंसू बहा करके अपना कीमती समय बर्बाद करना चाहिए। फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स, उन कीमती दोस्तों के लिए, हाइड इन डेथ्स डेथलेस नाइट, जो दोस्त जो हैं वो छिप गए हैं एक ऐसी रात के अंदर जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि उनके जो प्यारे दोस्त जो हैं वो मृत्यु के आगोश में चले गए हैं, मृत्यु ने उनको जो है वो हाइड कर दिया है, छुपा दिया है एक ऐसी रात के रूप में जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, एक ऐसी रात है जिसका कभी सवेरा होने वाला नहीं है। एंड वीप अ फ्रेश लव लॉन्गिंग सिंस कैंसल्ड वू, और फिर जो है वो पोइट एक बार फिर से वीप शब्द का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो है वो ड्रोन एंड आई का प्रयोग किया है, और अ फ्रेश लव यानी एक बार फिर से वो उस लव लॉन्गिंग को याद करते हैं, यानी पोइट को किसी ज़माने में किसी से प्रेम था
और उस प्रेम वो पोइट को मिला नहीं। तो उस प्रेम को याद करके वो जो है उस लॉन्गिंग को, लव लॉन्गिंग को याद करके जो है वो एक बार फिर से वीप कर रहा है, रो रहा है। कैंसल्ड वू, यानी उस घाव को जिसने कैंसिल कर दिया था। उस समय जब पोइट को उस प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो जब दुख हुआ वो, तो वो दुख उस समय कैंसिल हो गया था, वो एक प्रकार से रिजेक्ट हो गया था। यानी उस दुख के ऊपर तो उन्होंने विलाप कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से वो दुख जो है वो याद आता है पोइट को और उसके ऊपर वो फिर से विलाप करने लगते हैं। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस साइट। अब यहाँ पर देखिए वेनिस साइट का जिक्र है, तो पोइट कई चीज़ों को याद कर रहे हैं। पोइट को किस किस बात का दुख है? एक तो उसको जो है अपने कीमती जो दोस्त हैं, प्रेशियस फ्रेंड जो हैं, वो डेथलेस डेथलेस नाइट के अंदर जो है वो चले गए, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है उनका दुख वो मना रहे हैं। दूसरी बात जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको किसी ज़माने में, पुराने समय में उसको किसी से प्रेम था और वो प्रेम मिला नहीं, इस बात का दुख वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा उनको एक जो है वो मॉर्निंग कर रहे हैं, यानी वो दुख व्यक्त कर रहे हैं किसके ऊपर, कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखे थे, वेनिस साइट्स, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे वो गायब हो गए हैं, वो दृश्य जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो तीसरी बात वो यहाँ पर ये बता रहे हैं। और इससे पहले एक बात और बताई गई थी कि उनको बहुत सारी ऐसी लैकिंग थी, बहुत सारी ऐसी कमियाँ थी जिनको लेकर के वो अपना दुख जो है वो व्यक्त कर रहे थे। तो ऐसी खूबसूरत साइट जो अब वो चली गई है, उनको देखने का मौका पोइट के पास में नहीं है, तो उन चीज़ों को याद करके पोइट यहाँ पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवियंसेज फॉरगॉन। फिर को कवि जो है यहाँ पर अपना विचार थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो कहते हैं कि क्या मुझे अपने ये जो ग्रीव जो है, दुख जो है, और इन शिकायतों के ऊपर जो जा चुकी हैं, यानी मैं इन जब दुख व्यक्त करता हूँ तो मैं ऐसी शिकायतों के ऊपर दुख व्यक्त कर रहा हूँ जो शिकायतें पास्ट में जा चुकी है, तो ऐसी पुरानी बातों को याद कर करके क्या मुझे अपना कीमती समय बर्बाद करना चाहिए या मुझे दुख मनाना ही मनाना चाहिए। एंड हैवीली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन बोन। तो पोइट यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने उन पुराने दुखों को वू टू वू, यानी एक दुख से दूसरे दुख के ऊपर बहुत ही हैविली तरीके से जो है टेल ओवर द सैड अकाउंट, अपना दुख से भरा हुआ अकाउंट, जिस प्रकार से अकाउंट जो होता है बैंक का खाता जो होता है उसमें सारा लेन देन होता है, उसी प्रकार से लेखक ने उनकी छोटी मोटी सभी प्रकार की बातों को लेकर के बहुत बाहरी तरीके से मौन किया है। उन छोटे छोटे जो उनके प्रत्येक दुख जो हैं उनके ऊपर पोइट ने छोटी से बड़ी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा दुख जो है वो मनाया है। फोर बिमोन्ड मोन, जो पहले से जिन जिनके ऊपर दुख मनाया जा चुका है, विच आई न्यू पे, जिनको कि मैं अब पे कर रहा हूँ, जिनको कि मैं अब अदा कर रहा हूँ। पोइट इसको ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि पोइट ने पुराने ज़माने में जो है वो कोई कर्ज लिया था, दुखों दुखों का जो कर्ज है एक प्रकार से वो लिया था और वो अब नए तरीके से पे कर रहे हैं, यानी जब वो दुखों को याद करते हैं तो वो उनके लिए नए बन जाते हैं। एज इफ मानो कि नोट पेड बिफोर, कि मानो कि मैंने उन दुखों के ऊपर पहले विलाप नहीं किया था, यानी जिस समय मुझे वो दुख प्राप्त हुए थे मानो कि मैंने उस समय उनके ऊपर दुख व्यक्त नहीं किया था और उनके ऊपर आज मैं उनको अदा कर रहा हूँ, उनके ऊपर मौन करके उनको विलाप करके मैं उनके दुख को कम कर रहा हूँ। और उसके साथ ही फिर लास्ट वाले जो कपलेट है उसके अंदर वो अपना विचार बिल्कुल ही चेंज करते हैं और क्या कहते हैं, बट इफ़ द वे इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, और तभी मैं जब इन दुखों के मैं अंदर डूबा ही हुआ होता हूँ और इन दुखों के अंदर डूबे डूबे जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, डियर फ्रेंड कि प्रिय मित्र, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ऑल लॉसेज आर रिस्टोर, तो मेरे सारे के सारे दुख जो हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, वो एक प्रकार से वापस से भर जाते हैं। एंड सोरो एंड, और सारा का सारा जो दुख है उसका अंत हो जाता है। तो पोइट जो है यहाँ पर वो बैंकिंग टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कि वो पहले कर्ज के रूप में, जैसे दुखों का कर्ज है उनके ऊपर, और फिर सारे के सारे जो घाटा जो है उसकी पूर्ति, लॉस जो है उसको पूरा हो जाता है। तो इसके साथ ही ये पोइम जो है वो समाप्त होती है।